ये तीन पुरकशिश चीजें मर्दों को दीवाना बना देती हैं। एक आदमी एक जिंसी जानवर से कहीं ज्यादा है। आपको ये याद रखना होगा कि इंसान एक पेचीदा मखलूक है और बहुत से तरीके हैं जिनसे आप अपने अंदर उसकी दिलचस्पियों को उभार सकते हैं। आपको हमेशा अपने आप को महज जिंसी लज्जत की चीज के तौर पर पेश करने की जरूरत नहीं है। आप वाकई इसके एहसासात और जज्बात को टेप करके एक आदमी को अपना आदि बना सकती हैं। यकीनन आप नहीं चाहेंगी कि आपका आदमी आप पर गैर सेहतमंदाना अंदाज में जुनून में मुब्तला हो, लेकिन किसी ऐसे शख्स के साथ ताल्लुकात में रहना हमेशा अच्छा लगता है जिसे आप जानती हैं कि वो हमेशा आपको तरजीह देगा। कोई ऐसा शख्स जो हमेशा आपको पहले रखेगा, ये जानकर हमेशा खुशी होती है कि आप किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत कर रही हैं जिसकी पूरी तवज्जो आप पर है। आप चाहती हैं कि कोई ऐसा शख्स हो जो आपका पीछा करे, कोई ऐसा शख्स जो वाकई में अपनी जिंदगी के लिए आपकी कदर को समझता है, ताकि वो आपको कदर की निगाह से देखे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसकी तवज्जो को पकड़ने और रखने में अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए। कुछ राज और मशवरे हैं जिनका इस्तेमाल आप इस बात को यकीनी बनाने के लिए कर सकती हैं कि आप इसकी कायनात का मरकज हैं। अगर आप उन चीजों पर अमल करती हैं जो यहाँ दर्ज हैं, तो आप अपने आप को इसकी दुनिया का मरकज बनने की बेहतरीन मुमकिना पोजीशन में डाल सकती हैं। पहली पुरकशिश चीज, पहली मुलाकात में इसे सब कुछ ना दें। बिलाशुबा अगर आप उसे अपना पीछा करते रहने की तवक्को रखते हैं, तो आप इसे फौरन सब कुछ नहीं दे सकते। एक पहेली बने जिसे इसे हल करना है, एक पहेली बने जिसका उसे पता लगाना है, एक भूल बलिया बने जिसके जरिए इसे काम करना है। इसकी दिलचस्पी पैदा करने के लिए उसे थोड़ा सा दें, लेकिन बहुत कुछ अपने पास रखें। अपने आप को इसके लिए बंद रखें और उसे आइंदा मुलाकातों के लिए महफूज करें। इस तरह इसे आपका पीछा करने की तलब बढ़ जाएगी और वो आपको देखने आपसे बात करने के लिए तरसेगा। दूसरी पुरकशिश चीज, इसे इजाजत दें कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को आप पर जाहिर करे। ऐसा करें कि वो आप पर भरोसा करने लगे। इसे दिखाएं कि आप एक ऐसी शख्स हैं जिस पर वो भरोसा कर सकता है। अगर इसे किसी से बात करने की जरूरत हो, तो वो जरूरत आप पे बने। इसे थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने अपनी असलियत जाहिर करने दें। इस तरह इसे आप में सुकून और तहफ्फुज मिलेगा और वो आपका हैकर रह जाएगा। तीसरी पुरकशिश चीज, मुनासिब फासला रखें। इसे आपकी याद दिलाने के लिए इसे तरपाना तरसाना जरूरी है, और यह तब ही मुमकिन है जब आप खुद को मुसलसल इसके लिए दस्तयाब ना करें। याद रहे, अपना सारा वक्त उसे ना दे दें। इसे आपके साथ वक्त गुजारने के लिए थोड़ा तरपाएं। इस तरह वो आपको याद करेगा, और जो भी वक्त मतलब कम वक्त आपके साथ गुजारेगा, तो दोबारा वो ये वक्त गुजारने के लिए हमेशा बेकरार रहेगा। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं, इनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे, तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते अब तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।